जिले की नवनियुक्त जिला अधिकारी डीएम वंदना सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। 2013 बैच की आईएसएस अधिकारी वंदना सिंह इससे पूर्व रुद्रप्रयाग में जिला अधिकारी व पिथौरागढ़ में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जिला अधिकारी बनने से पूर्व वो शासन में अपर सचिव ग्राम्य विकास आयुक्त व निबंधक सहकारिता के पद पर रही। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिला अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कोषागार पहुंचकर उन्होंने विविध कार्यभार ग्रहण किए। वहां उन्होंने कोषागार का गहनता से निरीक्षण कर डबल लॉक, सिंगल लॉक, CCL, DCL आदि का निरीक्षण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण भी किया और संबंधित पटल सहायकों से जानकारी ली। उन्होंने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि उनके पास कम से कम फाइलें लंबित रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। दैनिक कार्यों के साथ जनता की छोटी से छोटी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। उन्हें अनावश्यक यहाँ वहाँ न भटकना पड़े, इस पर भी ध्यान दिया जाए। फाइलों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक हो। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे, अपर जिलाधिकारी BL हिरमाल, उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, प्रशासनिक अधिकारी भीम सिंह मेर, आपदा प्रबंधक अधिकारी राकेश जोशी, वैयक्तिक सहायक हरीश उपाध्याय समेत कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।